पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए पिता। आपका वचन हमारे जीवन के लिए सब कुछ है पिता। वो बीज है पिता जो ये ऐसे भूमि पे गिरता है, फलवंत होता है और हमारे जीवन को आपके महिमा के लिए तैयार कर देता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हमसे बातें कीजिए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सुन स्वीकार कबूल कर, आमेन। इफिसियों का पहला किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 14 वचन, फिर उसके बाद उसके 15 वचन पे जाते हैं। 14 वचन पढ़ के, 13, 14 और 15। इफिसियों का पहला अध्याय 13, 14, 15। इफिसियों का पहला अध्याय उसका 13 वचन, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वचन 14, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिराज का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। वचन 15, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। नेक्स्ट 16 वर्स, आधा से आधा। वचन 16, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। परफेक्ट, बस छोड़, ओके। मैं पढ़ता हूँ, इसलिए जब, ये सही अनुवाद है जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो आपके बाइबल में लिखा है वो थोड़ा गलत है, ठीक है, ध्यान से सुनना। वहां पर क्या लिखा है, वर्स 15 पढ़ना। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। बस वहां पर क्या लिखा है, इसलिए, इसलिए, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में, इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहा है पॉल, कि पॉल ने सुना, यहां पर क्या समझ में आ रहा है, पॉल ने सुना, ठीक है, और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, समझ में आ रहा है। तो पॉल कह रहा है मैंने वो विश्वास का वचन सुना जो तुम लोगों में है और सब लोगों, पवित्र लोगों पर प्रकट है। क्या सच में ऐसा है क्या? इसलिए जब आप बाइबल स्टडी करते हो, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप बहुत अनुवादों को पढ़ो। तो अनुवाद ऐसा होता है, इसलिए जब मैंने, ओके, इसलिए जब मैंने प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना, करेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश, क्या, तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना, मतलब पॉल किसके बारे में सुन रहा है, विश्वास का सुसमाचार नहीं सुन रहा है, उनके विश्वास के बारे में सुन रहा है, फर्क है कि नहीं है। पॉल ये नहीं कह रहे कि मैंने विश्वास का सुसमाचार सुना, पॉल कह रहा है मैंने तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना कि तुम विश्वास में खड़े हो, ओके। और नेक्स्ट देखो, और सभी संतों से प्रेम का मतलब तुम सभी संतों से प्रेम रखते हो। देखो कितना फर्क है आपके बाइबल में और इसमें जो मैंने कहा, वहां पर लिखा है और सभी संतों पर प्रकट है, नहीं। तो पौलुस कह रहा है मैंने दो बातों के बारे में सुना, एक तुम्हारे विश्वास के बारे में, दूसरा तुम्हारे संतों के प्रति प्रेम के बारे में। सब लोग हैं मेरे साथ? Yes. तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। ये वीडियो वापस से देखना और अपने बाइबल में एक छोटा सा नोट डालो वहां पे हिंदी बाइबल में, और ये वचन ऐसा लिखना, समझ में आया, मैं वापस से पढ़ रहा हूं, इसलिए जब मैंने प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना और सभी संतों से प्रेम का तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। ठीक है, सब लोग करेंगे ये वचन ऐसे अपने बाइबल में साइड में पेंसिल से लिखना अगर चाहिए तो, या अपने बुक में लिखना, ओके। चलो, हमने सीखा दो चीज यहां पर पूरे एफिसियों के किताब में, एक कलीसिया का निर्माण और दूसरा कलीसिया का अभिषेक, ठीक है। कलीसिया के निर्माण में तीन जनों का योगदान था, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता का हमने देखा अध्याय वचन 3 से लेकर वचन 6 तक, पुत्र का हमने देखा वचन 7 से लेकर वचन 13 तक, और पवित्र आत्मा का वचन 14 से लेकर वचन 15 तक, समझ में आया। तो हमें पता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा लगे हुए हैं हमारे जीवन सवारने में, और उन्होंने किया भी है। पिता ने किया था समय से पहले,
पुत्र ने किया समय में और पवित्र आत्मा समय के बाद नहीं, समय में। अभी तक हम जिंदा है ना, समय के बाद क्या, समय से हमको समय के बाद तक लेके जाएंगे। समझ में आया? तो तीनों का भी योगदान है और तीनों का महिमा होता है। सिक्स्थ वचन में पिता का महिमा होता है, कौन सा, 13 वचन में, 12th वचन में पुत्र, 12 या 13, 12 ना, 12 में पुत्र का महिमा होता है और लास्ट 14 में पवित्र आत्मा का महिमा होता है। समझ में आया? तो हर एक का महिमा वहां पर होता है। क्यों? क्योंकि पौलुस कह रहा है उनका महिमा, उनका महिमा, उनका महिमा हो। अब एक चीज है, इफिसियों का किताब जो है, जब पौलुस कह रहा है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक ही श्वास में, एक ही सांस में कह रहा है, और पिता ने ऐसा किया और पुत्र ने ऐसा किया और पवित्र आत्मा ने ऐसा किया, 3 वचन से लेके 15 वचन तक, 14 वचन तक, 3 वचन से लेके 14 वचन तक एक ही सांस में बिना रुके पौलुस कह रहा है। ठीक है? अब पौलुस के हर एक खत, मालूम है पौलुस ने 14 खत लिखा, पौलुस के हर एक खत में सिर्फ वो इफिसियों की किताब में ये करता है, सिर्फ इस इफिसियों की किताब में ये करता है कि बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज करता है, बड़े बड़े वाक्य। सब लोगों को मालूम वाक्य के बारे में, वाक्य क्या होता है, है ना, सेंटेंस होता है कि मैं पानी पीने के लिए गया, ये एक वाक्य है। ठीक है? तो पौलुस बड़े बड़े वाक्य सिर्फ इफिसियों की किताब में इस्तेमाल करता है। ठीक है? अभी दूसरा सांस, यहां पर पौलुस ने सांस लिया और दूसरे सांस में 15 वचन से लेके 23 वचन तक एक सांस में वापस से चले जाता है बिना रुके। समझ में आया? तो पौलुस ने देखा कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में क्या किया, इसलिए वो धन्यवाद देता है कि इनके ये सब करने के बाद आपके जीवन में क्या होता है, आप विश्वास में चलते हो और आप प्रेम में चलते हो। किसमें? विश्वास में और प्रेम में। सब लोग बोलो, विश्वास में, प्रेम में। और वो कहता है कि मैं धन्यवाद देते नहीं रुकता हूं या नहीं छोड़ता हूं धन्यवाद देते हुए तुम्हारे लिए। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? परफेक्ट। तो धन्यवाद देता है पौलुस, अब धन्यवाद देने वाला है और उसके बाद प्रार्थना करने वाला है। क्या देने वाला? जब भी आप प्रार्थना करते हो धन्यवाद से शुरू करो। yes. समझ में आया? yes. जाके परमेश्वर के सामने रोने का नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर तुमने मेरे साथ क्या किया। धन्यवाद परमेश्वर इसके लिए, धन्यवाद उसके लिए, धन्यवाद उसके लिए। धन्यवाद देने के बाद जब आप सारे चीजों के लिए धन्यवाद देते रहोगे तो फिर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। उसके बाद बचेगा ही नहीं कुछ प्रार्थना करने लायक। आप बोलोगे किसके लिए कंप्लेन करूं, किसके लिए प्रार्थना करूं? दानियल ने जब प्रार्थना किया उसने धन्यवाद दिया, जेरेमायाह ने प्रार्थना किया उसने धन्यवाद दिया, उसने बोला आ लॉर्ड गॉड मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ, तूने सृष्टि और पृथ्वी का निर्माण किया, तू बहुत ही बड़ा है, तू बहुत ही वैभवशाली है। जेरेमायाह ने दिया, नहमाया, उनके प्रार्थना देखो बाइबल में पढ़ो, वो लोग धन्यवाद से ही शुरू करते हैं। पौलुस अपना हर प्रार्थना धन्यवाद से शुरू करता है। तो ये पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। किन बातों के लिए? दो बातों के लिए, तुम्हारे विश्वास के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारा प्यार। जब तुमको पता है कि परमेश्वर ने इतना मेरे लिए किया, पुत्र ने इतना मेरे लिए किया, पवित्र आत्मा ने मेरे लिए इतना किया, आपका सिर्फ दो जिम्मेदारी होता है। आपका सिर्फ क्या होता है? दो जिम्मेदारी, यीशु मसीह पे विश्वास में चलना और प्यार। विश्वास और प्यार। विश्वास क्या होता है मैं बताता हूं आपको, कम स्टैंड फटाफट। यूनानी भाषा में विश्वास के लिए उनको शब्द नहीं मिल रहा था कि विश्वास को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करें या यूनानी वाला भाषा कौन सा इस्तेमाल करें। इसलिए जब पौलुस यहां पे, आपको पता होना चाहिए पौलुस एक इब्रानी बंदा था, इब्रानी उनके दिमाग में था, हिब्रू हिब्रू, वो पुराने नियम का बंदा था उस समय में। ठीक है? और वो हिब्रू वाले शब्द यूज करता था अनुवाद करने के लिए यूनानी में। तो जब वो विश्वास के बारे में कह रहा है यहां पे, वो उनके पास वो ऐसा शब्द नहीं था जिससे वो प्रकट कर सकते थे विश्वास का मतलब क्या है। तो विश्वास का ये मतलब होता है स्थिर खड़े होना। क्या खड़े होना? स्थिर खड़े होना। चलो कम Stand like this, facing towards me. You face towards me, and you face towards her. अभी देखो यहाँ पे, camera is proper, check. है ना?
अभी देखो यहाँ पे ये इनको धक्का देंगे और ये स्थिर खड़े होंगे क्या? देखो धक्का दो, हाँ स्थिर खड़े हो रहे, वापस से ट्राई करो, हाँ देखो हल्के से एक ही हाथ से दो, हाँ फिर भी हिल रहे है ना, स्थिर खड़े है क्या? नहीं, उनका पीठ पीछे जा रहा है, उनका एक पैर पीछे जा रहा है, उनको डर लग रहा है मैं गिर सकता हूं। तो ये विश्वास का अनुवाद नहीं है। विश्वास का अनुवाद क्या है मैं आपको बताता हूं। स्टैंड टुवर्ड्स द वॉल, सी इफ शी इज कमिंग इन द कैमरा, स्टैंड मोर, स्टिक टू द वॉल, स्टिक स्टिक, नाउ पुश, गो पुश। अभी अभी हिल रही है? नहीं। क्यों नहीं? पुश दोनों, पुश पुश मोर, पुश मोर, पुश मोर, पुश मोर, पुश मोर, नहीं क्यों नहीं हिल रही है? इसी को अनुवाद करके विश्वास का मतलब बताया गया है। समझ में आया? जब आप इतना स्थिर हो कि आपको कोई हिला नहीं सकता है, उसको विश्वास कहते हैं। समझ में आ रहा है? और आपको पता है आपका स्थिरता का कारण आप नहीं हो, वो दीवार है, मतलब परमेश्वर है। आपका विश्वास क्या है? परमेश्वर। आपका स्थिरता क्या है? परमेश्वर। वो ही मेरा चट्टान है, वो ही मेरा गढ़ है, वो ही मेरा सरफराज है, वो ही मेरा सब कुछ है। समझ में आया? इसको बोलते विश्वास का सही अनुवाद। यू कैन गो, बैठो, स्टैंड देयर ओनली। समझ में आ रहा है? इनका पीठ इससे लगा हुआ है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर है। पौलुस कह रहा है आपका विश्वास इतना मजबूत है यीशु मसीह में कि कोई भी झूठा भविष्यद्वक्ता, कोई भी झूठा शिक्षण जो है, वो प्रचार जो है, वो आपको हिला नहीं सकता है विश्वास से। आप सत्य को जान चुके हो, आप सत्य के प्रचार और वचन को पहचान चुके हो और आपको कोई हिला नहीं सकता है। आज अगर आपको किसी ने कहा यीशु को छोड़ दो, आप छोड़ोगे क्या? नहीं। ये है आपका विश्वास यीशु मसीह में, क्योंकि आपने जान लिया, ठान लिया और पहचान लिया कि यीशु मसीह ही मेरा दीवार है जिससे मैं चिपका हुआ हूं और कोई मुझे हिला नहीं सकता। ऐसे ही आपको विश्वास में खड़े होना है परमेश्वर के वादों पर, परमेश्वर के वचन पर। अरे परमेश्वर ने कहा कि मेरा भला ही होगा तो मेरा भला ही होगा। तो पता है कि नहीं पता है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको टेंशन नहीं आएगा, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कल का चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, था नहीं है, था नहीं है, है जिंदा है। तुम्हारा ये दीवार, तुम्हारा ये चट्टान है। आपको पता है छोटे बच्चे जब अपने पापा के साथ जाते हैं वो डरते नहीं है, वो कुत्तों से भी जाके लड़ते हैं और कुत्तों का पूछ खींचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कुछ हो गया तो मैं पापा के पीछे भाग सकता हूँ, पापा मुझे संभालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको ज्यादा डर नहीं रहता है जब उनके पापा साथ साथ है। आपको किस चीज का डर? बीमारी का डर? किस चीज का डर है आपको? कल का डर, कल का चिंता, क्या सोच रहे हो आप? आपके पापा है दीवार के जैसे आपके पीछे खड़े हुए। क्या तू नहीं जानता कि तेरा रचने वाला तेरे साथ है? क्या तू नहीं जानता तेरा उद्धार करता तेरे साथ है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा पिता तेरे साथ है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिर्फ यही आपका स्थिति होना चाहिए, यही आप हो यीशु मसीह में। तो पौलुस कह रहा है मैंने आपके विश्वास के बारे में सुना कि यीशु मसीह में आपका विश्वास जो है वो दृढ़ है, यीशु मसीह में आपका विश्वास मजबूत है। ओके, और दूसरा उसने कहा कि संतों के प्रति प्रेम, संतों के प्रति प्रेम। ठीक है, मैं वापस से पढ़ता हूं, शायद से आपने नहीं सुना। इसलिए जब मैंने प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना और सभी संतों के प्रेम का तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। तो क्या बोले, क्या बोले? संतों के लिए प्रेम, संतों के लिए प्रेम, क्या बोले? संतों के लिए प्रेम, संतों के लिए प्रेम, संतों के लिए प्रेम। ठीक है, सुनो वापस से। इसलिए जब मैंने प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास के बारे में सुना और सभी संतों के प्रेम का तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। संतों के लिए प्रेम, सभी संतों के लिए प्रेम, संतों के लिए प्रेम तो कर सकते हैं, सभी संतों के लिए प्रेम नहीं। वो जो मुझे इरिटेट करता है वो भी संत, हाँ वो भी संत। वो जो मुझे चिढ़ दिलाता वो वाले भी संत, हाँ वो वाले भी संत।
वो जो मुझे गुस्सा दिलाता, वो संत भी, हाँ वो संत भी, सभी संत। आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, सिर्फ संतों से प्यार करना है क्या? नहीं। अरे, दुश्मन से भी प्यार करना है। ठीक है, सारे संतों के लिए प्यार करना है, सारे दुश्मन से प्यार करना है। दुश्मन से प्यार करना है कि नहीं? बाइबल में लिखा है कि नहीं? yes. कहाँ लिखा है? रीड। इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। अच्छा, लूक 6:27 पढ़ो फिर। लूक 6:27 पढ़ो। लुका 6:27। हाँ। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। अपने शत्रु से क्या रखो? प्रेम रखो। कितने पास, कितने लोगों के पास शत्रु है? है ना? कौन है आपका शत्रु? वो जो आपका भला नहीं करता है, वो आपका चुगली करता है, वो आपके विरुद्ध अलग अलग योजनाएं बनाता है, आपके बारे में किसी और के, किसी को और को झूठ बोलता है। ये देखो ये औरत कैसी है, ये देखो इनके घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और आपको लगता है कि आपके पीठ पे किसी ने खंजर मार दिया। अरे, मैंने तुमसे मेरे सीक्रेट शेयर किया और तुमने किसी और को बता दिया, वो शत्रु हो गए तुम्हारे लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने जनों के दिमाग में शत्रु है ना? है ना? तो शत्रु से प्रेम करना है, संतों से प्रेम करना है, हर संत से प्रेम करना है। सब लोग बोलो हर संत। हर संत। आपके बाजू वाले में जो बैठा है ना, उससे भी प्यार करना है आपको। आपके पीछे जो बैठा है उनसे भी प्यार करना है। देखो एक दूसरे से बोलो कि तुमसे भी प्यार करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग बोलो प्यार। प्यार का अनुवाद क्या होता है? गलतियां ना देखना। प्यार का अनुवाद क्या है बाइबल के अनुसार? गलतियां। अरे, पर मैं उनसे इतना प्यार करता हूं कि इनके गलती को छुपा नहीं सकता। बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं, मुझे उनका जान का फिक्र है। बहुत प्यारे लोग हो आप, कितना ख्याल रखते हो कि जा जाके बताते हो सबका गलतियां। बाइबल में लिखा है प्यार, सिद्ध प्यार क्या करता है? गलतियों को छुपाता है, गलतियों को छुपाता है। बाइबल में लिखा है क्या? कितने पापी हो, यीशु मसीह आके तुमसे कहा तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुमसे सिर्फ प्यार किया। छोटे बच्चे जब गान करते हैं, जब पॉटी करते हैं, जब सुसु करते हैं, माँ आके मारती रहती है क्या छोटे बच्चे को? तुम कितना पॉटी करो, कितना पॉटी करो, अभी किया था वापस से करो, अभी किया वापस से करो, करते हो क्या, मारते हैं क्या? नहीं, वो प्यार करते, अल्लुले पोटी, अल्लुले श्मेला ली बेरे ली, और साफ करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना है, दूसरे को गलतियां छुपाना है और उनके अच्छे गुणों को प्रदर्शित करना है, लोगों को बताना है। गलतियों को मत बताओ, गलतियों को छुपाओ और अच्छे गुण बताओ। आपको पता है जितना बार भी ये मेरे बारे में बात करते या मुझसे बात करते, वो मुझसे अच्छे अच्छे बात करते, मेरे गलतियों के बारे में कभी मुझे बताते नहीं है। और मुझे क्या लगता है? अरे यार, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मुझे लगता है कि और अच्छा बनूं। समझ में आ रहा है? वो साइकोलॉजी है। किसी के सामने अगर आपका इज्जत होता है, आप और इज्जत बनाने की कोशिश करते हो। अरे नहीं यार, इसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, धीरे से बात करूंगा। हाँ बोलिए ना, कैसे हो? और घर में जाने के बाद क्या होता है? क्योंकि घर वालों को पता ही है, ये चिल्लाते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। समझ में है कि नहीं है? जिसके सामने आपको पता है कि आपका इज्जत मेंटेन होता है, आपको वो करते हो। तो इसलिए घर में भी एक दूसरे को अच्छे गुण के बारे में बताओ। अरे तुम कितने अच्छे हो, आज सुंदर लग रहे हो, अरे आज बहुत अच्छा काम किया, अरे साफ सफाई किया। अच्छे गुणों को और बड़ा करो। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो आदत है ना गलतियां निकालने का, वो हमारे परमेश्वर के साथ भी हम ऐसे करते हैं। परमेश्वर के गलतियों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अच्छाई के बारे में कम सोचते हैं, इसलिए हमको अच्छाई मिलता ही नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद, हाँ धन्यवाद सब बातों के लिए, पर ये अच्छा नहीं किया था, ये अच्छा नहीं किया था, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये अच्छा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये है, मेरी बीमारी है, ये वो है। धन्यवाद देने के लिए कम चीजें हैं। पौलुस कह रहा है तुम्हें अपने दुश्मन से प्यार करना है, हर संत से प्यार करना है, और क्या, अपने अपने
रोमेंस 13:8-10। अच्छा ठीक है, कंप्लीट। लुका 6:28 वचन कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ क्या, जो तुम्हें गाली दे उनको गाली दो और उससे बड़ा गाली दो। हाँ क्या करना है उनके लिए, आशीष और उनके लिए प्रार्थना करना है, जो तुम्हारा अपमान करे। कोई तुम्हारे सामने आके तुम्हारा अपमान किए है ना, तो क्या करना है उनके लिए, डोंट वरी तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगी, डोंट वरी। परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करने के लिए इसे करना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं करती थी। ऐसा मत करो यार, डायरेक्ट जाके प्रार्थना करो उनके लिए, ठीक है परमेश्वर इन लोगों ने मेरा अपमान किया, ये लोग मेरा कीमत नहीं जानते हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। क्योंकि जो लोग तुम्हारे अपमान करते हैं, अगर तुम उनके लिए प्रार्थना किए तो वो तुम्हारे बेस्ट दोस्त बन जाएंगे, वो तुम्हारे रोशनी को देखेंगे और तुम्हारे यीशु के पास आएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अपमान के बदले में अपमान, आमेन। नेक्स्ट रोमन्स 13:8-10, रोमियो 13। तो सारे संतों से प्यार करना है, दुश्मन से भी प्यार करना है, और कर्जदार नहीं होना है आपस में प्रेम को छोड़, मतलब आप एक दूसरे के कर्जदार हो, आपको चुकाना है कर्ज। कौन सा कर्ज? प्रेम। कर्ज चुकाना है कि नहीं? yes. प्रेम का कर्ज चुकाना है। आगे नेक्स्ट, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। नेक्स्ट, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी, अपने पड़ोसी, सिर्फ दालचीनी चाहिए तभी पड़ोसी से प्रेम नहीं रखना है। अरे कैसे हो भाभी, आज बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या है, सब ठीक है, बच्चे सब कैसे हैं, और थोड़ा नमक चाहिए था, कल तो गाली दे रहे थे, कल तो चिल्ला रहे थे, कल तो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, आज नमक चाहिए इसलिए आ गए घर पे मुंह उठा के, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन है? जो बाजू वाले घर में रहता है वो नहीं, जो जरूरतमंद है आपके इर्द गिर्द में वो आपका पड़ोसी है। समझ में आया? आपके बहन हो, आपका भाई हो, आपकी मम्मी हो, आपका पापा हो, आपका सास हो, आपका ससुर हो, वो सारे पड़ोसी है, ठीक है? तो प्यार किससे करना है? संतों से प्यार करना है, सभी प्रकार के संतों से, सभी प्रकार के संत। सब लोग बोलो सभी प्रकार के संत। चिल्लाना मत, संतों को चिल्लाना मत, सिवाय मेरे, मैं चिल्ला सकता हूँ, बाकी नहीं कोई संत चिल्लाएगा एक दूसरे को। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? झगड़ा मत करना एक दूसरे से, क्या मत करना? झगड़ा मत करना एक दूसरा का, एक दूसरे का क्या करो, जितना हो सके तारीफ नहीं, जितना हो सके शांति में रहो एक दूसरे के साथ, जितना हो सके। अगर एक कलीसिया में आते हो और वहां पर आपको कोई भी चिढ़ नहीं दिलाता है तो वो कलीसिया एक्चुअली आपका है नहीं। वापस से मैं बोलता हूं, अगर आप एक कलीसिया में आते हो वहां पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो आपको चिढ़ दिलाता है तो वो कलीसिया आपका है नहीं। मतलब आप किसी और कलीसिया में आए हो जहाँ पर आप किसी को पहचानते नहीं हो, क्योंकि जब आप लोगों को पहचानते हो वो आपको चिढ़ दिलाते ही दिलाते हैं। yes. है ना? yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. अगर अलग कलीसिया में जाओगे कोई चिढ़ नहीं दिलाएगा आपको, सब अच्छे और ब्रदर सिस्टर सब अच्छे हैं, वापस सब आए मुझे मिलने के लिए। एक साल बैठो उस कलीसिया में, पता चलेगा कितने अच्छे है। हर कलीसिया अच्छा है जब तक आप ज्वाइन ना करें, जब तक आप ना जाए वहाँ पे, जब आप जाते हो वहाँ पे तभी वो कलीसिया बुरा हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कलीसिया बना ही है टूटे हुए लोगों से, कलीसिया बना ही है कमजोर लोगों से, कलीसिया बना ही है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, सहन करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है एक दूसरे से। समझ में आया? ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो किससे प्यार करना है? सभी प्रकार के संतों से। सब बोलो, प्यार किससे करना है? दुश्मन से। प्यार करना है किससे? पड़ोसी से। परफेक्ट। ये आपके विश्वासी जीवन के दो पैर हैं, ये आपके विश्वासी जीवन के कम स्टैंड दो पैर हैं। एक पैर क्या है? यीशु मसीह पे विश्वास,
और दूसरा पैर क्या है? संतों में, संतों पे प्यार, संतों से प्यार। सब लोग बोलो संतों से प्यार, संतों से प्यार। करोगे? यस। शुरुआत अपने घर से करो। यस। शुरुआत अपने करो। शुरुआत अपने करो। अगर कोई चिल्ला रहा है और आपके सामने बोल रहा है कुछ, क्या करोगे आप? प्यार से शांति सुनाओ। हाँ, प्यार से शांति बोल रही हैं। प्यार से, याद रखो। हाँ, क्या बोल रहे? हाँ रोशनी, क्या? अगर कोई चिल्ला रहा है तो कान बंद करने। क्या चिल्ला रहे तो? हंसते रहना उनके सामने। अगर नहीं आ रहा है हंसी तो भी हंसते रहो। अरे गुस्सा जो है एक लेवल तक रहता है, उसके बाद वो करना क्या, आमिर तुम्हारे साथ क्या करूं, इसी घर में रहना पड़ेगा। नाश्ता तो तुम ही बनाते हो, खाना तो तुम ही बनाते हो, और जाओ तो जाओ कहा, कहीं नहीं जाएंगे, उधर ही रहेंगे। एक दिन करेंगे गुस्सा, दो दिन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हंसते हुए लोगों से गुस्सा करना व्यर्थ है। समझ में आया कि नहीं है? स्टैंड ऑन वन लेग, कीप योर वन लेग अप। हाँ देखा, चूज किया कि मेरा स्ट्रांग वाला लेग कौन सा है। हाँ, उस जिस पे खड़ी रह सकती हो, कीप स्टैंडिंग। हमारा क्रिस्ती जीवन जो है, यू कैन सी हर ना, फॉरगेट द लेग, इट्स ओके, वो एक लेग पे खड़ी है, ठीक है, एक टांग पे खड़ी है। हमारा क्रिस्ती जीवन जो है ये ऐसा है, अरे स्टैंड ना, डोंट कैच एनीथिंग, कैसा है? ऐसा है, एक टांग पे खड़े है। अरे 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 अरे, डोंट कीप योर लेग डाउन नो मैटर। एक टांग पे खड़े है कि हमको लगता है यीशु मसीह पे विश्वास किया काफी है, संतों से दूर रहे तो ही अच्छा है, संतों से प्रेम करे ना तो ही अच्छा है। नहीं, लंगड़ते लंगड़ते आप कितने देर तक चल सकते हो? क्योंकि विश्वासी जन कैसे चलता है? विश्वास से चलता है, दृष्टि से नहीं। तो आपको चलना पड़ेगा ना, लंगड़ते लंगड़ते चल सकते हो क्या? चलो ट्राई करो। कब तक कर चलोगे? आप थक जाओगे, सिट। आप क्या करोगे? थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक पैर से चलने की कोशिश कर रहे हो, एक पैर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। ये एक पैर जो है वो विश्वास है यीशु मसीह पे, पर आपका विश्वासी जीवन दो पैर से चलता है। एक पैर काफी नहीं है, सिर्फ यीशु पे विश्वास काफी नहीं है, क्योंकि आपका जो घर है उन्हीं के बाजू में रहेगा स्वर्ग में, जिनसे आप नफरत करते हो। परमेश्वर, इसके साथ तो मुझे रहना नहीं है। परमेश्वर बोल रहे एक ही कोली में तुम दोनों रहोगे ऊपर, तुम दोनों अनंत काल तक एक ही साथ रहोगे। अब बोलो क्या बोलना है? अच्छा ठीक है परमेश्वर, ये स्वर्ग आ रही है ना, इसको सुधार के ही भेजो उधर स्वर्ग में। परमेश्वर बोले नहीं, जैसे है वैसे ही रहेंगे, सब याद रहेगा तुमको धरती पे क्या किया। बोलेंगे परमेश्वर वो मेरे लिए स्वर्ग नहीं होगा फिर, वो तो मेरे लिए नरक होगा, इनके साथ रहना ही घर नहीं। तो इसलिए अभी से प्यार करना सीखो, प्यार करना। आमेन। सब लोग हैं मेरे साथ? yes. तो कितने पैर है आपके? दो। कौन सा? एक विश्वास और दूसरा प्रेम। आपका विश्वास प्रेम के बिना कमजोर है। yes. और आपका प्रेम विश्वास के बिना कमजोर है। दोनों ही चाहिए स्वस्थ क्रिस्ती जीवन जीने के लिए, स्वस्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेल्दी जीवन जीने के लिए, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पे और मुझे प्रेम नहीं करना है इन लोगों से, मुझे नफरत है इन लोगों से। मतलब आप साफ साफ कह रहे हो कि आपका विश्वास कमजोर है, आप विश्वास नहीं करते हो। क्या मैं सिद्ध कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। ये नियम है पूरे बाइबल में, पूरे नए नियम में आपको ये देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पानी दो, 1 John 3:23। गरम है। 1 John 3:23 पढ़ो। पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय, ध्यान से सुनना, 23 वचन। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। जो बीच में बात करेगा वो, जो बीच में बात करेगा वो, एक मूर्ख भी अपने जब मुंह बंद रखता है तो वो बुद्धिमान। तो जो बीच में बात करेगा वो, जो बीच में बात करेगा वो, परफेक्ट। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास। उसकी आज्ञा किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर की आज्ञा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आज्ञा है परमेश्वर का? कि हम उसके पुत्र पे विश्वास करें। आगे नेक्स्ट, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। क्या? आपस में प्रेम
और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। समझ में आया? विश्वास रखे, प्रेम रखे, विश्वास रखे, प्रेम रखे, ये उसका आज्ञा है। दो चीज कैसा, जैसे हमने विश्वास रखा वैसे हमें प्रेम रखना है। दो पैर जरूरी है, एक पे हम चल नहीं सकते। नेक्स्ट फाइलेमन 1:4-5। फिलेमन पहला अध्याय उसका 4-5। ये भी पौलुस ने लिखा। फिलेमन उसका 1:4-5। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता। क्या क्या क्या? मैंने तुम्हारे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनी है, पौलुस कह रहा है। ठीक है, सब लोग बोलो प्रेम, प्रेम और विश्वास, और विश्वास। प्रेम, प्रेम और विश्वास, और विश्वास। आगे जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। अरे तो आप बोल रहे हो कि प्रेम और विश्वास जो है वो यीशु पे भी है ना? पवित्र लोग तो है वहां पर यीशु पे भी है। यूनानी में ये ऐसा लिखा है, प्रेम और विश्वास, पवित्र लोग और यीशु। मतलब जो पहला वाला है वो पहले लोगों के लिए, दूसरा वाला है जो दूसरा है, ऐसा लिखा गया है यूनानी में। मतलब प्रेम सभी संतों के लिए, विश्वास यीशु मसीह पे। तो पौलुस कह रहा है साफ साफ कि आपका प्रेम जो है, आपका विश्वास जो है, ये दोनों साथ साथ रहना चाहिए। आप प्रेम को नहीं छोड़ सकते हो जब आप विश्वास रखते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लोगों को? ठीक है, एक बंदा, एक लॉयर यीशु मसीह के पास आया। मैथ्यू 22:34। एक बंदा यीशु मसीह के पास आया और बोला, सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? पुराने नियम का सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा? यीशु मसीह ने क्या कहा? दो आज्ञा है, एक अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारे जीवन से, क्या बुद्धि से, क्या करो, प्रेम रखो, और और अपने पड़ोसी से अपने समान। सब लोग बोलो, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यीशु मसीह ने भी कहा सबसे बड़ी दो आज्ञा है, एक परमेश्वर से प्रेम और एक पड़ोसी से प्रेम, एक परमेश्वर से प्रेम, एक पड़ोसी से प्रेम। बाइबल में पहला जॉन 5:1, फर्स्ट जॉन 5:1, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न 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 हो रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आप प्रेम परमेश्वर से प्यार करते हो, आप परमेश्वर के बेटे से भी प्यार करोगे। yes. समझ में आया? तो परमेश्वर से प्यार करना मतलब परमेश्वर के बेटे से प्यार करना है, परमेश्वर के बेटे से प्यार करना मतलब परमेश्वर के बेटे पे विश्वास करना होता है। yes. तो दो ही आज्ञा है, एक परमेश्वर से प्रेम और एक लोगों से प्रेम। yes. समझ में आया? yes. तो परमेश्वर से प्रेम मतलब यीशु पे विश्वास सबसे पहला, और लोगों से प्रेम, संतों से प्रेम, दुश्मन से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। ठीक है, फाइलीमन वी रेड 1:21-22। 1 पीटर 1, मैं दिखाना चाहता हूं आपको पूरे नए नियम में ये दो पैर आपके होना जरूरी है। एक से नहीं चल सकते हो, सिर्फ यीशु पे विश्वास। ओके, आपको प्रेम एक दूसरे से करना ही पड़ेगा। ओके, फर्स्ट पीटर उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। परमेश्वर पे विश्वास, सब लोग बोलो परमेश्वर पे विश्वास, परमेश्वर पे विश्वास, यीशु मसीह के द्वारा। आगे, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो, ठीक है। आगे, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया, क्या क्या क्या, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। कैसे? मैंने अपने आपको क्या, अपने आपको क्या किया, शुद्ध किया, क्या रीड भाईचारे के लिए। अगर जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त, सी निष्कपट प्रीति, सब लोग बोलो निष्कपट, कपटीपन नहीं, क्योंकि मैं इनसे फायदा हो रहा है मुझे, तो इसलिए मैं प्यार करता हूं इनसे। अगर फायदा नहीं है तो क्या प्यार,
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? निष्कपट, आपका कोई भी उसके पीछे लाभ नहीं होना है। जैसा एक माँ अपने बच्चे से प्यार करता है, वैसे आपको एक दूसरे से प्यार करना होता है। एक बच्चा क्या देता है माँ को? त्रास देता है ना, परेशान करता है ना बच्चा, है ना? कुछ नहीं देता, तू कुछ लाभ का है नहीं, तू ना कमा रहा ना कुछ नहीं, तू छोटा बच्चा है, तू मुझे से परेशान करता रहता है दिन भर। लॉकडाउन में तो पति भी परेशान करने लगे वो अलग अलग बच्चा आ गया घर में, अरे जाओ ना लॉकडाउन खोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? निष्कपट मतलब मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है मेरे बाजू वाले से। तो क्या करोगे? जब भी वो आपके साथ बुरा करते हैं फिर भी आप उनसे प्यार करोगे। बच्चा जब माँ का नहीं सुनता है फिर भी माँ बच्चे का ख्याल रखता है। जब आपका पड़ोसी आपके साथ बुरा करता है फिर भी आप उनका ख्याल रखो, उनसे प्यार करो निष्कपट भाईचारे प्रेम से। और आगे अपने मनों को पवित्र किया है तो तन मन लगा। एक मिनट, एक और चीज है वहां पे निष्कपट प्रेम। और आगे निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से, सत्य के मानने से आया प्रेम और विश्वास फिर से आया प्रेम और विश्वास फिर से ये दो चीजों से अपने आप को क्या किया? अपने मनों को पवित्र किया। अपने मनों को पवित्र मुझे प्रभु बोलेंगे। सिर्फ विश्वास यीशु मसीह में पवित्र नहीं बनाता है तुमको, प्रेम भी पवित्र बनाता है तुमको। इन दो चीजों से आप पवित्र बनते हो, क्योंकि जब आप एक दूसरे से प्रेम करते हो आप परमेश्वर समान बनते हो। क्योंकि परमेश्वर से नालायकों से प्रेम किया परमेश्वर ने, जो लायक नहीं थे। जब आप प्रेम उनसे करते हो जो लायक नहीं है, तब आप परमेश्वर के जैसे होते हो। दो चीजों में लोग कहते हैं, दो चीजों में आप परमेश्वर के जैसे होते हो, व्हेन यू गिव एंड यू फॉरगिव, जब आप देते हो और जब आप क्षमा करते हो। क्योंकि परमेश्वर प्यार है। ओके आगे तो तन मन लगा कर, तन मन लगा तन मन लगा। अरे यार रात के अंधेरे में क्यों फोन किया यार? कौन है जो खटखटा रहा है यार? अभी टाइम क्या है यार? मेरे को सोना है फिर भी ये लोग कॉल कर रहे हैं यार मदद के लिए। छोड़, इग्नोर करो। क्यों अभी कॉल कर रहे हैं यार? क्यों आ गए मेरे घर पे? तन मन लगाकर, तन मन लगाकर मतलब मालूम है क्या? जब आपका बच्चा परेशानी में है आप क्या करते हो? छोड़ देते हो? नहीं। हाँ, आप उनका कॉल नहीं उठाते हो? नहीं। रात के अंधेरा है, आपका बेटा घर नहीं आया, आपकी बेटी घर नहीं आई और कॉल आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? छोड़ना है, मेरे बच्चे का कॉल है, रात का अंधेरा है, छोड़ना, जाने दो। करोगे ऐसा? नहीं। तो दूसरों के साथ मत करो। अरे वो सब दुख वुख झेलना वो तो छोड़ दो, ये सबसे बड़ा दुख है। कैसे मैं लोगों से प्यार करूं? मेरा मन ही नहीं लगता है। मेरा मन मेरा तन, मेरा मन मेरा तन, मेरा मन मेरा तन। धन भी आगे दूसरे वचन में धन भी लिखा है, समझ में आ रहा है? मेरा मन मेरा तन, बोलो मेरा मन मेरा तन। जो आपके मन में है आपके तन में दिखना चाहिए। आप मन से प्यार करता हूं मैं तुमसे बस, और तन से कुछ नहीं। उठ के सेवा भी नहीं करना है उन लोगों का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके तन में दिखता है कि आपके मन में है क्या, कितना प्रेम है। एक माँ के तन से दिखता है कि उनके मन में कितना प्रेम है उनके बच्चे के प्रति, उनके तन से दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? नींद में भी दूध पिलाते हैं उठ के, रात को बच्चा रोता है, नींद में भी उठते हैं रात को, कितना परेशानी झेलना पड़ता है एक माँ को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे आपको प्रेम करना है एक दूसरे से, तन से भी मन से भी। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग है मेरे साथ? तन से मन से क्या? तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो, नहीं एक दूसरे से अधिक। कितने जनों के जीवन में एक ऐसा बंदा है या एक बंदी है जिससे वो अधिक प्रेम करते हैं? माँ हो, पिता हो, पति हो, कोई भी हो, अधिक प्रेम। हाथ ऊपर करो, जो हाथ नीचे रखे है वो प्रेम नहीं करते हैं। बाप रे बाप, इनके लिए तो आज का सरमन है, प्रेम करो। है कोई? है कोई? अपने खुद से प्रेम करते हो क्या? करते हो? करते हो? हाँ, हाथ ऊपर करो, करते हो? तो सब गलत है। एक से ज्यादा प्रेम नहीं करना है, अधिक प्रेम सभी से करना है। समझ में आया? हाथ नीचे रखो। अधिक प्रेम किससे करना है?
मेरे पति से ज्यादा प्रेम करो, मेरे बच्चों से ज्यादा प्रेम, मेरा लाडला बेटा, मेरा लाडली बेटी, नहीं मेरा मुन्ना, मेरा सोना, मेरा ये वो है ना। अधिक प्रेम सबसे करना है। तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करते हो? सब लोग बोलो, सब प्रकार संतों से, सब दुश्मनों से और सब पड़ोसी से। अभी बोलो मुझे अगर कोई आपका मदद नहीं करता है तो, ठीक है? ठीक है, ओके, वी रेड दैट वर्स, अधिक प्रेम करो, ठीक है। नेक्स्ट वर्स कोलोशियंस 1:4, वापस से पॉलुस यही कहता है कोलोशियंस में, कोलोशियो 1:4, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। क्या हमने सुना है? मसीह पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोग से तुम प्रेम, सब पवित्र लोग से तुम प्रेम। पवित्र कैसे बनते हैं? हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं सुन रहे जो मैं प्रचार कर रहा हूं। प्रेम और विश्वास से, अभी तो बताया प्रेम और विश्वास से आप पवित्र होते हो। परमेश्वर आज रैप्चर हो जाए अभी के अभी। पौलुस यहां पर कह रहा है फिर से क्या? प्रेम और विश्वास, प्रेम और विश्वास। हिब्रू 6:9-10, हिब्रू 6, इब्रानी 6:9-10, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। उद्धार वाले बातों का भरोसा करते हैं क्या? क्योंकि एक मिनट, उद्धार में क्या बातें हैं? और सुनो आगे, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। क्या इंग्लिश में लिखा है? लेबर ऑफ लव। इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रेम का कष्ट या प्रेम का क्या बोलते हैं, प्रेम का परिश्रम। प्रेम करने के लिए परिश्रम लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? परिश्रम। कितना परिश्रम? बहुत बहुत परिश्रम लगेगा। एक माँ से पूछो कितना परिश्रम लगता है बच्चे से प्रेम करने के लिए। पति से भी प्रेम करने का कितना परिश्रम होता है ना? कुछ लोगों को बोले पति से भी प्रेम करना परिश्रम होता है है ना। पौलुस कह रहा है तुम्हारे उद्धार के बातों के साथ, तुम्हारे उद्धार के बातों के साथ ये भी आता है प्रेम का परिश्रम। सब लोग बोलो प्रेम का परिश्रम। प्रेम का परिश्रम क्या है मालूम है? यहां पर लिखा है कि तुम एक दूसरे के सेवकाई करते हो, सेवा करते हो। मैंने सुना कि तुम एक दूसरे के सेवा करते थे और अभी भी कर रहे हो। रुकना मत सेवा करना एक दूसरे का। यीशु मसीह ने शिष्य का पैर धोया और बोला अगर मैं धो रहा हूं तो तुमको भी धोना चाहिए। ए पानी ला मेरे लिए। नहीं, तुमको पानी चाहिए, तुमको भी पानी दूंगा मैं भी, भले तुम कितने थके हुए हो। समझ में आया कि नहीं आया? एक बच्चा जब आता है स्कूल से तो बैग फेंकता है, स्कूल ड्रेस फेंकता है, सॉक्स फेंकता है। ये बच्चे नहीं, बाकी बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। उनको मालूम है मम्मी उठाएगी, और मम्मी कितना भी थके हुए हैं, कभी मम्मी ने बच्चों से कहा मैं बीमार हूँ? कभी कहा? कभी कहा बीमार हो? कभी कहा बीमार हो? बच्चों को समझ में नहीं आता तुम बीमार हो के तुम भाई कुछ भी हो, उठो मेरा काम करो, मुझे नाश्ता दो, मुझे पानी दो, मुझे नहलाओ, है ना। बच्चों को फर्क नहीं पड़ता मम्मी बीमार है कि नहीं है, मम्मी को चलते रहना है बिना रुके। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही आपका रहना चाहिए। सेवकाई ऐसा करो कि लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि आप थके हो। यीशु मसीह कितने भी थके थे, जब भीड़ का भीड़ आता था वो सेवकाई करते थे। पौलुस कहता है दिन रात में सेवकाई करता हूं। समझ में आ रहा है? परिश्रम लगता है प्यार के, और वो परिश्रम क्या है? एक दूसरे के सेवा करना। सब लोग बोलो सेवा करना, सेवा करना। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो आप एक दूसरे के सेवा करोगे। रीड First John 4:7-9 आगे पढ़ना, ओके? पहला योहन्ना 4:7-7 ध्यान से सुनना सभी, सुनो गौर से सब लोग, ध्यान। हाँ, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम किससे है? परमेश्वर से। तो अगर आप प्रेम नहीं रखते हो आप परमेश्वर से नहीं हो। आगे, जो कोई प्रेम करता है
वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर का डीएनए है। अगर परमेश्वर प्रेम है तो आप भी प्रेमी हो। मैं प्रेम हूँ, बोलो मैं प्रेम हूँ। प्रेम अगर किसी को देखना है आपका जिंदगी से पता चलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आप परमेश्वर से जन्मे हो, आप प्रेम करते हो। आगे नेक्स्ट। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को नहीं। साफ साफ सिद्ध है तुम्हारे जिंदगी से कि तुम परमेश्वर को जानते हो कि नहीं जानते हो। तुम्हारे प्रेम रखने से पता चलता है तुम्हारा विश्वास कहाँ है और कैसा है। प्रेम बहुत जरूरी है, एक दूसरे से प्रेम करना है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। क्या क्या क्या? परमेश्वर का प्रेम कार्य में प्रकट हुआ। कार्य से आप अपना प्रेम प्रकट करते हो, कार्य से, सिर्फ शब्दों से नहीं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, करने के लिए क्या करो? चांद तारे तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। अरे क्यों तोड़ रहे हो भाई? दुनिया को चांद तारे चाहिए ना, मत तोड़ो मेरे लिए। सिर्फ शब्दों से प्रेम करना व्यर्थता है, व्यर्थ है। परमेश्वर ने अपना प्रेम कार्य में दिखाया। ओके आगे नेक्स्ट। एक मिनट। अपने पवित्र बेटे को भेजा किसके लिए? पापी जग के लिए, नालायक लोगों के लिए। इसमें प्रेम प्रकट है। आगे नेक्स्ट। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। क्या क्या क्या? आपके लिए ये सिद्धांत है कि वो लोग यदि आपसे प्रेम नहीं करते हैं तो छोड़ो, आप प्रेम करो उनसे। क्योंकि प्रेम इसमें प्रकट नहीं था कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे किया। अगर वो लोग आपसे प्रेम नहीं करते फिर भी आप चुनो कि आप उनसे प्रेम फिर भी करोगे, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो कुछ भी करे आपके साथ, आप प्रेम करोगे उनसे। आपको पता है हमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने हमसे ही प्रेम किया, जिन लोगों ने उनके एकलौते बेटे को क्रूस पर चढ़ाया। सोचो जरा। आगे नेक्स्ट। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। क्या? कैसा प्रेम रखना है? ऐसा ही प्रेम रखना है। कैसा प्रेम रखना है? ऐसा ही प्रेम रखना है जैसे परमेश्वर ने हमसे रखा। जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचानता है। परमेश्वर के प्रेम को अगर आपने चखा है, आपने जाना है, आप वैसे ही प्रेम एक दूसरे से करोगे। आगे नेक्स्ट। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा। आगे। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। जब आप मोबाइल लेते हो और चार्जर से कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जर से होकर मोबाइल में आता है, आपका बैटरी रिचार्ज होता है। क्या होता है? बैटरी रिचार्ज होता है। समझ में आया? फायदा फायदा, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वैसे ही परमेश्वर आप में बना रहता है जब आप एक दूसरे से जुड़ जाते हो, एक दूसरे से प्रेम रखते हो, परमेश्वर वहां पर रहता है। अगर आपने एक दूसरे को परमेश्वर को नहीं देखा तो आप एक दूसरे से प्रेम करके परमेश्वर के प्यार को अनुभव कर सकते हो। समझ में आया ये कितना महत्वपूर्ण है? परमेश्वर कह रहा है स्वयं प्रेम मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर प्रेम नहीं है आपके जिंदगी में तो मैं नहीं। अगर परमेश्वर आपसे यह कह रहा है कि मेरे लिए प्रेम इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरा अस्तित्व तुम्हारे जीवन में नहीं है अगर प्रेम नहीं है तो सोचो प्रेम कितना इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को नोच डालते हैं हम लोग, एक ऐसा मौका ढूंढते हैं कि इनको मैं नीचे खींच लाऊं, इनका नाम बदनाम करूं। एक मौका ऐसा ढूंढते हैं हम लोग, एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तुम तो हमेशा ऐसा करते हो, पिछले बार भी तुमने ऐसा किया 10 बातें सुनाने के लिए। परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे प्रेम करो। आगे नेक्स्ट। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में
क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया। आपको पता है पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। रोमन्स 5:5 में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट 14 हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। समझ में आ रहा है? विश्वास करने से परमेश्वर तुम में बना रहता है और तुम परमेश्वर में, और प्रेम करने से परमेश्वर तुम में बना रहता है और तुम परमेश्वर में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? विश्वास प्रेम, विश्वास प्रेम, दोनों का जरूरी है कि परमेश्वर तुम में बना रहे। आप किसी को उठा सकते हो, आप एक बच्चे को उठा सकते हो जब आप दोनों पैर पे खड़े हो। एक पैर पे खड़े होके बच्चे को उठा सकते हो क्या? ज्यादा देर तक नहीं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आते जब आप दोनों पैर पे खड़े हो। परमेश्वर को आप प्रकाशित कर प्रदर्शित कर सकते हो जब आप दोनों पैर पे खड़े हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट आगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। हम जान गए उस प्रेम को और विश्वास है। आगे, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। पता चला आपको? जो विश्वास में है वो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो प्रेम में है वो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेम, विश्वास। आगे नेक्स्ट। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन किया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आगे, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आगे, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आगे, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम हम किया। इसलिए सब लोग बोलो, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। सोचो जरा, आप कितने गंदे हो, कितने गलतियां आपने किया, फिर भी परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। सामने वाला क्या बहुत ज्यादा गंदा है? आगे नेक्स्ट। हम इसलिए यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, सुनो, और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्या है वो? परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और भाई से बैर, परमेश्वर से प्रेम और भाई से तो झूठा। आपके पास ऑप्शन नहीं है किसी से नफरत करने का, ऑप्शन ही नहीं है, वरना आप झूठे ख्रिस्ती हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहा है यहाँ पे, साधारण बात नहीं है। आप आज तक अपने आंखें बंद करके दूध पी रहे थे, सोच रहे थे कोई नहीं देख रहा है आपको, कि इनसे नफरत कर सकता हूँ, इनसे नफरत कर सकता हूँ, इनसे तो बात ही नहीं करूँगा, इनका तो फोन नहीं उठाऊंगा। पर परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर बोले तुम्हारा हाथ नीचे करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा धन्यवाद, तुम एक पैर पे खड़े हो, दो पैर पे खड़े रह जाओ, फिर बाद में मैं आता हूं। परमेश्वर को अनुभव करना है ना, पहले जिनको आप देख सकते हो ना उनसे प्रेम करना सीखो, फिर जो आपको नहीं दिखता है ना उनसे प्रेम करो। आगे नेक्स्ट। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, हाँ, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो आप अपने भाई से जो आप देख सकते हो उनसे अगर प्रेम नहीं रख सकते हो तो आप परमेश्वर से कैसे प्रेम रख सकते हो जब आपने परमेश्वर को नहीं देखा? मतलब जब आप परमेश्वर को देखोगे तभी भी आप चाव चाव करोगे जैसे अपने भाई को देख के चाव चाव करते हो। इसका मतलब यही है, परमेश्वर बचे हुए क्योंकि वो दिखते नहीं है, वरना आप उनको भी सुनाते थे क्या परमेश्वर कितना रोशनी है, थोड़ा ठंडी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अरे थोड़े धीरे से आओ ना, इतना धूम धमाके से क्यों आ रहे हो। परमेश्वर को भी सुना देते, परमेश्वर अरे बाप रे बाप मुझे भी सुना रहे हैं, परमेश्वर बचे हुए क्योंकि दिख नहीं रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु के साथ चलना इन शिष्यों के लिए आसान बात नहीं है। ये शिष्य आते थे, यीशु मसीह हाय हाय बोल रहे थे सब, और बोलते थे फरीसियों के ऊपर, हाय तुम फरीसियों के ऊपर, तुम पे शराप हो, तुम पे ये हो, तुम पे वो हो, ये है वो हो। और एक बार योहन्ना ने बोला यीशु मसीह को, देखो ये समारी लोग, ये लोग नहीं आने दे रहे, चलो इन पे आग बरसाते हो। बोले तुमको पता नहीं है तुम किस आत्मा का हो, यीशु मसीह ने कहा। अरे यीशु मसीह तुम तो वहां पे शराप दे रहे थे और अभी बोल रहे कि तुम, मैंने वो ही तो किया। तुमको चीड़ आ जाता था यीशु मसीह के बातों पे। समझ में आ रहा है? आसान नहीं रहता था,
परमेश्वर बचे हुए क्योंकि दिख नहीं रहे। परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम अपने भाई जिसे आप देख सकते हो उनसे प्यार नहीं कर सकते हो तो आपका जो ये प्यार है परमेश्वर के लिए वो झूठा है, खोखला है, झूठे ख्रिस्ती हो आप। आगे नेक्स्ट। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। उसी से वो आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। आज के आज पवित्र आत्मा से पूछो किन किन लोगों के लिए कड़वाहट है मेरे जिंदगी में, किन किन लोगों के लिए नफरत है, परमेश्वर उजागर कर दो, दिखा दो मुझे वो चेहरे को मेरे सामने लाओ और बता दो मुझे कि इससे जाके मुझे क्षमा मांगना है, इसको जाके मुझे प्यार करना है। प्यार कैसे करोगे? शब्दों से नहीं, सेवा करके। सास ससुर से नफरत है तो क्या करना है आपको? सेवा। पति से नफरत है तो चिढ़ा रहा है तो क्या करना है आपको? सेवा। जितना गुस्से में है पति उतना उनका सेवा। माँ बाप से गुस्सा है तो क्या करना है? सेवा। सब लोग सुन रहे? Yes. हाँ, आगे 21 वी रीच। खत्म हो गया? मैं सोचा पूरे बाइबल ही पढ़ लेंगे ऐसा। ठीक है, फर्स्ट जॉन 3, पहला योहन्ना 3, लास्ट वर्स 11। पहला योहन्ना उसका तीसरा अध्याय उसका 11 वचन, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ में सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आपने क्या सुना? हम एक दूसरे से प्रेम रखें, यही समाचार है। और यीशु मसीह ने कहा प्रेम से लोगों को पता चलेगा कि तुम मेरे शिष्य हो जब एक दूसरे से प्रेम रखोगे। आप जाते हो अपने दूसरे लोगों से जाके चुगली करते हो, बोलते हो देखो ये, और ये लोग बोल रहे हैं ख्रिस्ती लोग ही अपने दूसरे के बारे में बात करते हैं एक दूसरे के बारे में। ऐसा कभी मत करना, ठीक है? आगे। और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। कैन ने एबल को घात किया, हत्या किया कैन ने। आपको पता है ना कैन और एबल दोनों भाई भाई थे। कैन ने एबल का कत्ल किया, सबसे पहला कत्ल बाइबल में, ठीक है? उसने घात किया, पर किससे था वो? दुष्ट से था। जो बैर रखता है, जो नफरत करता है एक दूसरे से, वो किससे है? क्योंकि परमेश्वर के जन्मे हुए लोग कभी प्यार बैर रखते नहीं है। तो जो बैर रखते हैं, जो नफरत करते एक दूसरे से, किससे है वो? किससे है वो? किससे? तो अगर आपको चिढ़ आ रहा है किसी पे और आपको सुनाने की चाहत है तो आपको पता होना चाहिए कौन आपको वो चाहत दिला रहा है, कौन आपको वो नफरत करा रहा है। शैतान। सब लोग बोलो शैतान। आगे नेक्स्ट। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म। अरे बाप रे बाप, जब मैं किसी से नफरत करता हूं मुझे लगता है कि वो खराब है, मैं अच्छा हूं। जब भी चिढ़ आता है तो क्या होता है? मैं ठीक हूं, वो गलत है ना? कब आपको गुस्सा आता है अंदर में? जब वो गलत है, मैं ठीक हूं, वो कुछ गलत कर रहा है। हाँ है ना? जब आप गलत करते हो तभी आपको सामने वाले पे गुस्सा आता है क्या? आप छुआ बन जाते हो। क्या बन जाते हो? छुए के जैसे एकदम। नहीं, गलती तो होता है ना, आखिरी इंसान से ही होता है ना गलती। और जब वो लोग गलती करते हैं तो तुम गलती कैसे कर सकते हो? वो इंसान नहीं है, आप लोग इंसान हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गलती एबल में नहीं था, गलती केन में था जिसने हत्या किया। गलती आप जिससे नफरत करते हो उसमें नहीं है गलती, गलती आप में है। बाइबल में लिखा है अरे वो छोटे से तिनके को निकालने के पहले, आपके भाई के आंखों में जो तिनका है वो निकालने से पहले आपके आंखों में जो बड़ा सा लकड़ी है उसको हटाओ। पहले अपने लकड़ी को हटाओ फिर वो तिनके के बारे में सोचो, फिर दिखेगा। क्योंकि जब भी आप किसी के तिनके को जाके निकालने की कोशिश कर रहे हो पहला लकड़ी ऐसा आ रहा है, आपके आंखों से लकड़ी ऐसा आ रहा है, तो क्या होया? उनको दर्द होगा ना। पहले अपने लकड़ी को हटाओ ना, फिर तिनके को देख सकते हो आप। yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैन गलत था। जो नफरत करता है वो गलत होता है, जिस पे आप नफरत करते हो वो गलत नहीं होता है। क्या ब्रदर, आप नहीं जानते हो कितने गलत है वो, कितना गलत किया आप मेरे साथ, वो लोग मेरे साथ नहीं। आप परमेश्वर से जन्मे हो और आपको सिर्फ प्यार करना आना चाहिए। आगे नेक्स्ट। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। तिलेटिन, हाँ आगे। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। मृत्यु से पार होकर, गुड।
क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा क्या? में रहता है। कितने जन नींद की दशा में है अभी? नहीं सॉरी, कितने जन मृत्यु के दशा में है? ऐसे बोल रहे जैसे कि किसी से नफरत ही नहीं करते। अभी परमेश्वर अगर दिखा दे तो पूरा लिस्ट निकल जाएगा। परमेश्वर बस, अरे ये तो लिस्ट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जो नफरत करता है वो मृत्यु के दशा में है। ये बहुत अहम मुद्दा है, बहुत खतरनाक मुद्दा है। जीवन आप में है ही नहीं, क्योंकि जिसमें जीवन है वो प्यार करता है। आप एक पैर पे खड़े हो ही नहीं सकते। आप नहीं बोल सकते मुझे विश्वास है यीशु मसीह पे और मृत्यु के दशा में आप जी रहे हो। अगर पुनरुत्थित जीवन आप जी रहे हो, आप एक दूसरे से प्यार करोगे। सब लोग बोलो प्यार करेंगे, प्यार करेंगे। एक दूसरे के चेहरे को देख के तुमसे भी प्यार करेंगे। आमीन। नेक्स्ट, आगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। वो क्या है? हत्यारा है। भाई और बहन और सब आते हैं इसमें। वो क्या है? अगर आप किसी से झगड़ा करते हो, चिल्लाते हो, अगर आप किसी से झगड़ा करते हो, चिल्लाते हो, क्या क्या है, क्या है? बड़ी बात है कि नहीं? हत्यारे कोई स्वर्ग जाता है? तो आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे? अगर आप एक दूसरे से नफरत करोगे, आपने आपका टिकट लिख लिया है। मुझे स्वर्ग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इससे झगड़ा करके नर्क चला जाऊं तो भी बेटर है, पर झगड़ा करके ही जाऊंगा। आपने अपना टिकट लिख लिया। नफरत एक बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। आपके पास वो सुविधा नहीं है कि आप किसी से नफरत कर सकते हो। भाई तुमसे नफरत करना है फिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मुझ में जीवन है। आगे, नेक्स्ट। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तुम जानते हो, अगर तुम नफरत करते हो तुम हत्यारे हो, और हत्यारे में अनंत जीवन है ही नहीं। मतलब हत्यारे में यीशु मसीह है ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अनंत जीवन है। आप दिखाते हो एक दूसरे से झगड़ा करके कि यीशु मसीह का कोई फायदा नहीं, मतलब आपके जीवन में यीशु मसीह है नहीं। और आपके घर वाले क्या सोचते हैं जो यीशु को अपनाए नहीं अभी तक, वो क्या सोचते हैं? देखो ये क्रिस्ती होके झगड़ा कर रहे। जब आप झगड़ा करते हो आप दर्शाते हो क्या, कि आप में, कि आप में क्या यीशु मसीह नहीं है। नेक्स्ट टाइम झगड़ा करने से पहले ये ध्यान रखना कि आप यीशु मसीह को उतार रहे हो और फिर झगड़ा कर रहे हो। यीशु मसीह को बाजू में हटाकर, क्योंकि ये झगड़ा आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, यीशु मसीह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं यीशु मसीह, आप हट जाओ, मुझे पहले इनको दिखाने दो, फिर बाद में आप आ जाओ वापस। आगे, चलिए। लेकिन हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्राण देना चाहिए। हम अपना नींद को त्याग है ना, हम अपना कुछ भी त्याग है ना, प्राण कौन त्यागेगा अपने भाई के लिए? ये भाई के लिए, ये इसके लिए जो झगड़ा करता रहता है मेरे साथ, इसके लिए मैं अपना प्राण दूं? मैं अपना ध्यान भी ना दूं, प्राण क्या दूं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर के सिद्धांत बहुत ही उच्चे लेवल के है कि आपका प्यार इस हद तक होना चाहिए कि अपना जान भी चले जाए तो भी अपने भाई से प्यार करूंगा। आप बोलोगे अरे इतना बड़ा प्यार कौन किसी से कैसे कर सकता है? मुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा आपके दिल में दिया है कि ऐसा प्यार आप एक दूसरे से कर सको। कोई भी गलत शब्द आपके मुंह में, आपके विचार में आना ही नहीं चाहिए आपके भाई के प्रति, किसी के भी प्रति। तो पौलुस कह रहा है मैंने आपके विश्वास के बारे में सुना और मैंने आपके प्रेम के बारे में सुना, और जब से मैंने सुना मैं धन्यवाद देना बंद नहीं किया तुम्हारे लिए। क्या पौलुस आज रहते थे तो आपके बारे में ये कह सकते थे कि आपके विश्वास के बारे में सुना? और आपका विश्वास के बारे में कैसा पता चलता है? आपके प्रेम को देखकर। सब लोग, आपके विश्वास के बारे में कैसा पता चलता है? आपके प्रेम को देखकर। अगर आपका प्रेम नहीं है आपका विश्वास नहीं है। सब लोग है मेरे साथ? पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि प्रेम और विश्वास में चलने के लिए आपने हमें वो अनुग्रह दिया है, और हमने ठान लिया है कि कोई भी नफरत हो किसी के लिए भी आज के आज यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं पिता परमेश्वर। yes,
क्योंकि हम में हम हत्यारे नहीं है और हम में अनंत जीवन है। हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं और जैसा प्यार परमेश्वर ने हमसे किया हम एक दूसरे से करते हैं। अपने प्राण देने के हद तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने तन और मन से प्यार करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि यही आपका आज्ञा है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, सब प्रकार के संतों से प्यार करें, सब दुश्मनों से प्यार करें और अपने पड़ोसी से भी प्यार करें। और प्यार इसमें नहीं है कि वो हमसे प्यार करे पहले फिर हम प्यार करें, प्यार इसमें है कि हम उनसे प्यार करते हैं भले वो कैसे भी हो। हम उनका सेवा करते रहेंगे, हम लोगों का सेवा करते रहेंगे, उनका ध्यान रखते रहेंगे, क्योंकि आपने हमें सिखाया यही प्यार। आपने हमसे प्यार किया था, हमारे लिए आए इस धरती पर अपना प्राण दिया, धन्यवाद यीशु मसीह। वैसे ही हम एक दूसरे से प्यार करें, ऐसे आपने हम पर अनुग्रह किया है। यहाँ पर बैठे हर एक जन के जीवन में वो नफरत के जड़ को उखाड़ो यीशु मसीह, नफरत के जड़ को उखाड़ो। वो जो कई सालों से इनके जीवन में बैठा हुआ है किसी के प्रति, वो नफरत के जड़ को उखाड़ते यीशु मसीह के नाम में, उनको आज के आज छुटकारा देते हैं और बोलते हैं कि इस कलीसिया में एक भी हत्यारा नहीं है, इस कलीसिया में एक भी नफरत करने वाला नहीं है, इस कलीसिया में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसमें अनंत जीवन नहीं हो। अब ये लोग सीख चुके हैं प्यार कैसा करना, एक दूसरे के गलतियों को माफ करते रहेंगे, एक दूसरे के सेवा करते रहेंगे और एक दूसरे को अपने मन और तन से और अपने प्राण से अधिक प्यार करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि ये आपके बच्चे हैं और इनके जीवन से ये प्रकट होगा कि उनका विश्वास कितना मजबूत है यीशु मसीह में। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन स्वीकार कबूल कर, आमेन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शलोम।